हेलो गाइज, आपने प्रीव्यू को देख लिया होगा, सजदे किए हैं लाखों। इस सॉन्ग पर मैंने कुछ दिन पहले एक और स्टेटस को क्रिएट किया था ट्यूटोरियल, तो दोस्तों आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। तो गाइज, जिन लोगों ने अभी ये तक उसे नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, ट्यूटोरियल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन स्टेटस था, इसीलिए आप लोगों ने प्यार दिया था। और इसी सॉन्ग पर मैं एक और स्टेटस लेके आ चुका हूँ जिसका प्रीव्यू आपने ऑलरेडी देख लिया है। तो दोस्तों, अगर आप इसे क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट करने के लिए आपको ओपन करना होगा काइनमास्टर एप्लीकेशन, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर आपको ओपन करके दिखा रख लिया है। उसके बाद यहां से आपको क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद 9:16 रेशियो को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहां से आपको इमेज पे क्लिक करने के बाद ब्लैक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है और इसकी लेंथ को आपको बढ़ा देना है, यहां से कर देना है 6455। ठीक है, आपको इतनी कर देनी है, यानी कि आप 6.5 सेकंड की रख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको सेटिंग क्लिक करना है, एडिटिंग क्लिक करना है, यहाँ से आपको फिल स्क्रीन पे क्लिक कर देना है बस। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। अब आपको आ जाना है बैक। बैक आने के बाद गाइज, यहाँ से आपको 6 फोटो को अपने सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइज, यहाँ से मैं मीडिया पे क्लिक करता हूँ और अपने 6 फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिनसे आपको इस तरीके के स्टेटस को क्रिएट करना है। तो गाइज, यहाँ से आप कोई भी 6 फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज, मैं यहाँ से कर लेता हूँ, कोई भी 6 फोटो को सिलेक्ट कीजिए और अपने स्टेटस को क्रिएट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 6 फोटो मैंने सिलेक्ट कर लिए, यहाँ से आप देख सकते हैं। और सारे फोटो अपने आप ही आपके फुल स्क्रीन हो जाएंगे क्योंकि हमने सेटिंग कर ली थी ना गाइज। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले लें। उसके बाद क्या करना है, अब आपको पहले फोटो क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है और यहाँ से आपको ग्राफिक्स को ऐड करना है। ग्राफिक्स को ऐड करना है आपको 16 का, इसका आपको बन लगा देना है। अब बात आती है 16 ग्राफिक्स को आपको काइनमास्टर में कैसे ऐड करना है, क्योंकि 16 ग्राफिक्स आपको काइनमास्टर में कहीं भी नहीं मिलेगा। इसको आपको बीट साइन एप्लीकेशन से ऐड करना होगा। तो बीट साइन एप्लीकेशन से ग्राफिक्स को काइनमास्टर में कैसे ऐड करते हैं, इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से मैंने लगा दिया है। उसके बाद बैक आना है, दूसरे फोटो पे क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है, इसका आपको दूसरा लगा देना है। तीसरे फोटो पे क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है, 16 में जाना है और यहाँ से तीसरा लगा देना है। इसी तरीके से आपको जितने भी फोटो सिलेक्ट किए हैं आपको सारे फोटो में यहाँ से ग्राफिक्स को ऐड कर देना है, जिससे आपका स्टेटस थोड़ा अजब का लगेगा। तो गाइस, यहाँ से मैंने सारे फोटो में इफेक्ट को ऐड कर दिया है, आपको भी इस तरीके से कर लेना है। अब गाइज, क्या करना है, आपको शुरू में आ जाना है, बिल्कुल लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है। डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको उस वीडियो को ऐड कर लेना होगा। वीडियो आ चुकी है, सिंपली आप इस तरीके से थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं जिससे लिरिक्स आपके अच्छे लगे देखने में। और यहाँ से आपको जहाँ से आपने फ़ोटो को ऐड किया है वहाँ से आपको इसे ट्रिम कर देना होगा। ट्रिम करने के बाद यहाँ से आपको इसे सिलेक्ट करना होगा, इसके म्यूजिक को यहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट कर देना होगा, ठीक है, या फिर रहने दें, आप एक्सट्रैक्ट ना करें, ऐसे ही रहने दें। उसके बाद क्या करना है, आपको इसे सिलेक्ट करना है, नीचे आना है, ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना है। और इस वाले को भी आपको सिलेक्ट करना है, दूसरे पार्ट को नीचे आना है, ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना है। तो गाइस, देख लीजिए दोस्तों, स्क्रीन हो गया। उसके बाद जहाँ से आपने फोटो को ऐड किया वहाँ पर आपको आना होगा, लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है। अब गाइस, जहाँ से आपको बिगनेट वाले इफेक्ट को डाउनलोड करना होगा, यानी कि सिलेक्ट करना होगा। सारा मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो ज़रूर ज्वाइन कर लें, सारे मटेरियल को डाउनलोड भी कर लें। तो यहाँ से मैंने इफेक्ट लगा दिया बिगनेट वाला, नीचे आना है, यहाँ तक कर देना है। उसके बाद आपको इस वीडियो को सिलेक्ट करना है, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद इसको आपको ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है। फ्रंट करने के बाद सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लाके लगा देना है। सिंपल है ना, कुछ ज़्यादा किया मैंने, सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से आपका स्टेटस बन जाएगा। अब गाइस, आप कह रहे होंगे कि मैंने जी इतने फोटो सिलेक्ट कर लिए, हमारा जो स्टेटस है वो तो बहुत ही कम मिनट का है इसमें म्यूजिक। तो म्यूजिक को क्या करना है, आपको शुरू में आ जाना है, लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है। अब गाइस, यहाँ से आपको करना होगा डाउनलोड वाले ऑप्शन में और इसी म्यूजिक वाली वीडियो को ऐड करना होगा, लिरिक्स वाली को, और इसको हैशटैग ऑडियो पर क्लिक करके इसका म्यूजिक निकाल लेना। इस वीडियो की हमें कोई भी जरूरत नहीं है, हम इसे डिलीट कर देते हैं। और बाकी दोस्तों, जो हमने ऊपर वाली वीडियो सिलेक्ट की थी उनके म्यूजिक को हम यहाँ से ऑफ कर देंगे, क्योंकि वरना डबल म्यूजिक हो जाएगा। अब गाइस, यहाँ से आपको क्या करना है, म्यूजिक के हिसाब से आपको अपने फोटो को ट्रिम करना है बीट के हिसाब से। तो गाइस, यहाँ तक ये हो गया। अब दूसरा फोटो आपको कहाँ से काटना है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से, ठीक गाइस। तो इस तरीके से आपको भी काट लेने हैं, फोटो को ट्रिम कर दिया। अब अगला वाला यहाँ से काटता हूँ। तो इस तरीके से आपको सारे फोटो को ट्रिम कर लेना है।
अगले वाला फोटो यहाँ से आपको बीट अच्छे से म्यूजिक सुन लेना है, उसके बाद ट्रिम करना है, तभी आपका स्टेटस गजब का लगेगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। इस वाले फ़ोटो को मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ, और लास्ट वाले को आप यहाँ से कर सकते हैं ट्रिम कर दिए। तो इसी तरीके से आपका स्टेटस बन जाएगा। उसके बाद आपको शुरू में आ जाना है। शुरू में आने के बाद दोनों उंगली से करके इसे छोटा कर देना है। अब गाइस क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है। डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको एक पार्टिकल्स वाली वीडियो को ऐड करना होगा, ये वाली। इसको आपको कैची के बराबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, स्प्लिट स्क्रीन पर फुल स्क्रीन कर देना है। वीडियो को फुल स्क्रीन होने के बाद नीचे आना है, ब्लेंडिंग पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन आप जैसे ही करेंगे यहाँ से आपका शर्ट देख लीजिए दोस्तों, कितना बेहतरीन बनकर तैयार हो चुका है। बाकी दोस्तों इसको आपको सिलेक्ट करना है, थोड़ा ट्रिम कर देना है इस तरीके से। अब आपकी वीडियो काफ़ी बेहतरीन बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये लगता है कि जो आपके लिरिक्स हैं, लिरिक्स वाली वीडियो, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, लिरिक्स वाली वीडियो थोड़ी ऊपर है, तो आप इसे थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद बॉर्डर लगाना है तो लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से मैं जाता हूँ, सॉरी बैक जाता हूँ टेलीग्राम वाले ऑप्शन में, और यहाँ से मैं बॉर्डर वाली पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। बॉर्डर आप ज़रूर लगाइए, स्टेटस आपका थोड़ा अच्छा लगने लगता है। बाकी दोस्तों सारा मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो में पसंद आई है कुछ तो वीडियो को लाइक कर देना, इसी तरीके की वीडियो रेगुलर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी दोस्तों बॉर्डर भी लग चुका है, स्टेटस हमारा क्रिएट हो चुका है एकदम यहाँ से, तो मैं आपको चला के दिखा देता हूँ।